तो दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम हितेंद्र, आप देख रहे हैं ड्राइव एक्सट्रीम इंडिया। आज मैं आपके लिए लाया हूँ हुंडई की ईऑन। जी हाँ, आज इस गाड़ी के बारे में हम जानेंगे, गाड़ी के लुक्स, फीचर्स और क्या ऐसा खास है इसमें और क्या ऐसी कमी है, इस वीडियो में हम जानेंगे। और मैं बात करूँ चैनल अपडेट के बारे में, तो यहाँ मैंने चैनल का नाम थोड़ा चेंज किया है। प्रोनाउंसिएशन तो वही है ड्राइव एक्सट्रीम इंडिया, पर मैंने एक्सट्रीम की स्पेलिंग चेंज कर दी, क्योंकि वो सर्च में नहीं आता था, काफ़ी दिक्कत होती थी, इस वजह से मैंने अब उसको ड्राइव एक्सट्रीम इंडिया कर दिया है। तो नया इंट्रो भी बना दिया है मैंने, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ, ये है गाड़ी की चाबी, तो चलिए गाड़ी के एक नज़र डालते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे गाड़ी की बात करूँ तो यहाँ लुक्स में काफ़ी अच्छी है। अगर मैं इसके फ्रंट लुक की बात करूँ तो लुक्स में काफ़ी अच्छा है। और वहीं मैं इसके हेडलाइट्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको हैलोजन येलो हेडलाइट्स मिलते हैं। आपको यहाँ पे एरा मॉडल है, यहाँ पे कोई भी फॉग लैम्प नहीं दिया गया है। और मैं बीच की बात करूँ तो यहाँ पे आपको ग्रिल दिया गया है, हुंडई का लोगो दिया गया है, क्रोम का यूज़ किया गया है, काफ़ी अच्छा दिखता है। अगर मैं इस सेगमेंट की बात करूँ तो इस सेगमेंट में काफ़ी अच्छी दिखती है गाड़ी। वहीं साइड की तरफ से जाऊं तो जी हाँ, साइड से आप देख सकते हैं गाड़ी में कुछ दिखने में कुछ ऐसी, साइड से यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा बनाया गया हुआ है गाड़ी को। और मैं इसके लेंथ और हाइट की बात करूँ तो मैं नीचे डाल दूँगा क्या है लेंथ है और क्या हाइट है गाड़ी का। और साइड से मैं बात करूँ तो साइड से भी दिखने में अच्छी लगती है। एक स्मॉल कार है, जी हाँ, एक स्मॉल फैमिली कार जो आपको 5 लाख तक आएगी। तो हम इसके बैक की बात करूं, जी हाँ, बैक से भी गाड़ी अच्छी दिखती है। यहाँ पे हुंडई ईऑन ये एरा मॉडल है, पेट्रोल तो काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे पीछे का ऐसा क्रोम का यूज़ किया गया हुआ है और दिखने में भी अच्छी है। पीछे से स्मॉल लुक है गाड़ी का जो का। चलिए अंदर की तरफ चलते हैं, देखते हैं अंदर क्या है। मैंने चाबी को डाल दिया है तो मैं चलो लुक्स की बात करूँ तो अगर मैं स्टेयरिंग की बात करूँ तो स्टेयरिंग दिखने में अच्छा है, आपको अच्छा फील देगा, क्वालिटी अच्छी है। और वही मैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी अच्छा है। यहाँ पे आपको वार्निंग्स की लाइट भी मिल जाएंगे, बीच में आपको स्पीडोमीटर 180 का स्पीड है। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा फ्यूल से रिलेटेड गाड़ी में कितना फ्यूल है, तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ मुझे लगा। और सेंटर कंसोल की बात करूँ तो सेंटर कंसोल भी काफ़ी अच्छा है, ये काफ़ी अच्छा लुक देता है गाड़ी को, सेंटर कंसोल काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको ऑक्स यूएसबी जैसे फीचर मिलेंगे, आप इसमें सीडी नहीं लगा सकते, इसमें सीडी का ऑप्शन नहीं है। और यहाँ नीचे की तरफ जाओ तो यहाँ पर एसी के कंट्रोल्स मिलेंगे, जी हाँ, एसी एडजस्ट करने के। यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है। वहीं नीचे आपको कुछ स्टोरेज बॉक्स भी मिल जाता है और मैनुअल गियर मिल जाएंगे, जी हाँ, 4-स्पीड मैनुअल गियर मिल जाएगा। और यहाँ पे हैंड ब्रेक, नीचे की तरफ हैंड ब्रेक मिल जाएगा। वहीं मैं ग्लो बॉक्स की बात करूँ तो ग्लो बॉक्स भी यहाँ पे ठीक ठाक है, इसमें ज़्यादा स्पेस तो नहीं लेकिन ठीक ठाक है। और मटेरियल भी गाड़ी का अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी गाड़ी की अच्छी है अंदर की। वहीं ऊपर की तरफ आपको लाइट मिल जाएगा और साइड में आपको, यहाँ मैं बता दूँ, आपको पावर विंडो नहीं मिलेगा। अगर आप एरा मॉडल लेते हैं तो आपको हैंड थ्रू विंडो नीचे करना पड़ेगा। एसी की बात करूँ तो 1, 2, 3, 4 एसी है यहाँ पे। और साइड में भी आपको पावर विंडो नहीं है ड्राइवर साइड भी। पीछे चलते हैं, देखते हैं गाड़ी के पीछे क्या है, कितनी जगह है गाड़ी में, पीछे कितनी जगह है। जैसे कि ये स्मॉल कार है तो यहाँ पे जगह भी आपको ठीक ठाक ही है। मैं बता दूँ यहाँ पे 2 जन के लिए बैठने के लिए सफिशियंट जगह है, 2 से ज़्यादा बैठेंगे तो यहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो जाती है। आप देख सकते हैं जगह ठीक ठाक है, पीछे स्मॉल कार है तो ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, जगह जितनी होनी चाहिए उतनी जगह गाड़ी में दी गई है। तो मैं चलिए एक बार आपको आगे का डैशबोर्ड दिखा देता हूँ कि डैशबोर्ड दिखने में कैसा है। जी हाँ, डैशबोर्ड दिखने में बहुत ही अच्छा है। इसके हाइट की बात करूँ तो हाइट देख सकते हो, मेरे 6 फीट हाइट है तो 6 फीट के हिसाब से बहुत थोड़ी जगह बचती है ऊपर। इंजन की बात करूँ तो गाड़ी का इंजन कुछ ऐसा है, तो यहाँ पे आपको 800 सीसी का पेट्रोल इंजन मिलेगा। गाड़ी का टेस्ट ड्राइव करते हैं तो अभी जो मेरे पास मॉडल है वो है एरा मॉडल है, जी हाँ, जो 800 सीसी इंजन के साथ आता है। और यहाँ पे अगर मैं इसके बीएचपी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 55 बीएचपी का पावर है गाड़ी में। और इसके एवरेज की बात करूँ तो यहाँ पे
कंपनी 21 का एवरेज क्लेम करती है और 75 Nm का टॉर्क है। तो ये कुछ इंजन स्पेसिफिकेशन है, कुछ छूटेगा तो मैं डाल दूंगा। तो चलिए इसको एक बार मैं लेके चलता हूँ, देखते हैं गाड़ी के मैं गाड़ी का प्रोस भी बताऊँगा, गाड़ी के कॉन्स भी बताऊँगा, क्यों आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए और क्यों नहीं लेनी चाहिए। तो चलिए गाड़ी की पिकअप की बात करूँ मैं, तो गाड़ी की अगर मैं पिकअप की बात करूँ तो यह गाड़ी का पिकअप 800cc का इंजन है। और हाँ एक बात और, यहाँ पे आपको 1 लीटर का भी ऑप्शन मिलता है। जी हाँ, गाड़ी में 1 लीटर का भी ऑप्शन है आपको। तो ये मेरे पास जो है वो 800cc इंजन है, पर मैं आपको 1 लीटर ही रिकमेंड करूँगा। और अगर मैं बात करूँ इसके परफॉर्मेंस की, तो गाड़ी की परफॉर्मेंस 800cc है। आपको सिटी ड्राइव में तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप हिल्स एरिया में लेके जाते हैं और अकेले हैं तब भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पीछे वाले सीट पे 3-4 जन बैठे हैं, मतलब गाड़ी पे ओवरलोड 5 लोड फुली लोडेड गाड़ी रही, तो वहाँ पे आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है अगर आपके पास 800cc का इंजन है ईऑन में। तो हाईवे पे भी चलाए हुआ है गाड़ी, 80-90-100 तक गाड़ी आराम से चलती है। गाड़ी के हैंडलिंग में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं कंफर्टेबिलिटी की बात करूँ तो जी हाँ, गाड़ी कंफर्टेबल भी है बैठने में। मेरी 6 फीट हाइट है, आप देख सकते हैं, फिर भी आगे है आपको, पर पीछे उतनी जगह मुझे मतलब हेडरूम इतना नहीं लगा, लेकिन आगे आपको हेडरूम मिल जाएगा। विजिबिलिटी आपको अच्छी मिलेगी, थोड़ा मेरे को ऐसा लगा, लेकिन इतना भी प्रॉब्लम नहीं है विजिबिलिटी के बारे में। तो विजिबिलिटी भी गाड़ी का काफ़ी अच्छा है। वेरियंट्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको डिलाइट मिलेगा, और उसके ऊपर की बात करूँ तो वहाँ पे एरा मिलेगा जो कि मेरे पास है। और उसके ऊपर के मॉडल पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको मैग्ना मिलेगा, और उसके बाद स्पोर्ट्स मिलेगा। उसमें भी कुछ ऑप्शन मिलेंगे आपको, ऑप्शनल भी दिए गए हुए हैं। अगर मैं सेफ्टी की बात करूँ तो यहाँ पे ये गाड़ी मार खाती है। अगर मैं सेफ्टी की बात करूँ तो यहाँ पे ना आपको एयरबैग मिल रहा है, ना आपको ABS मिल रहा है, ना आपको EBD मिल रहा है। तो सेफ्टी के मामले में ये बिल्कुल भी नहीं अच्छी है गाड़ी। तो सेफ्टी के मामले में इनमें से कुछ भी नहीं है इस गाड़ी में, ना यहाँ आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। और एक कमी की बात करूँ मैं तो जो गाड़ी का गियर है, तो गियर भी काफ़ी हिलता है। तो गियर ऐसे हिलता रहेगा अगर आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो। एक चीज़ वो मुझे काफ़ी कमी लगी, वो काफ़ी चीप लगता है मुझे, तो मैं वो आपको दिखाऊंगा वीडियो में कि कैसे हिलता है। और दूसरी चीज़, जी हाँ, गाड़ी की ब्रेकिंग, इतना कॉन्फिडेंट नहीं रहता मैं इस गाड़ी को ब्रेकिंग करने में कि आप 80-100 के स्पीड से और आप तुरंत ब्रेक मार दें, क्योंकि गाड़ी में ABS भी नहीं है। और वैसे भी इस गाड़ी की ब्रेकिंग उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए, जितना Hyundai की अदर्स कार्स में आपको मिलेंगे। पर अगर इस गाड़ी में एयरबैग भी दे दिया जाए और EBD भी दिया जाए तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है स्मॉल कार में। प्राइसिंग की बात करता हूँ तो अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो ये 3.3 लाख से शुरू होके और 5.5 लाख तक जाती है। एक शोरूम की बात कर रहा हूँ मैं, ये इन्हीं के बीच में आ जाएगी। और 1 लीटर लेंगे तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 1 लीटर इंजन के साथ ही जाए, अगर आपको Hyundai की ब्रांड की गाड़ी चाहिए और आपका आपको स्मॉल कार लेनी है, स्मॉल फैमिली कार, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। पर आप एक बार देख लीजिए कि आपको उस बजट में किसी गाड़ी में एयरबैग या ABS मिल रहा है कि नहीं। अगर आपको एयरबैग ABS मिल रहा है तो वेल एंड गुड, तो आप उसको लीजिए। और आपका बजट एकदम ही कम है तो तभी आप इस गाड़ी पे जाइए। आप कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं सेफ्टी से तो आपको हमारे वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और यार नोटिफिकेशन बेल दबा दो, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगी नहीं मैंने कब वीडियो डाला। उसके वजह से मेरे काफ़ी व्यूज़ कम आ रहे हैं, तो सब्सक्राइबर होने के बाद भी व्यूज़ नहीं आ रहे, तो मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो नोटिफिकेशन दबा दीजिए तभी आपको मेरा नोटिफिकेशन आएगा, कोई भी वीडियो अगर मैं डालता हूँ, नहीं तो नोटिफिकेशन आपको नहीं आएगा। तो होप आपको हमारे वीडियो पसंद है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथ ही साथ बेल आइकन का दबाना ना भूले। तब तक मिलते हैं हम अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।